खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे मलिक अली हैदर खोखर की रिपोर्ट। कसूर आलमी तंजीम मुकद्दस अफराक तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक के कारकुनों की कुरान पाक और मुकद्दस अफराक को महफूज करने की रात दिन कोशिशें जारी। ज़िला कसूर कोट राधा किशन रोड पर मुकद्दस अफराक कुरान पाक को महफूज करने के लिए कुरान महल का आगाज शुरू कर दिया गया। मोहम्मद अफजल चिश्ती की क़यादत में आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक की टीम और गाँव वालों के तआवुन से कुरान महल शरीफ का आगाज़ कर दिया गया है, जो एक माह में मुकम्मल कर दिया जाएगा, जिसमें मुकद्दस अफराक और शहीद कुरान पाक महफूज किए जाएंगे ताकि इस पाक कलाम की बेअदबी ना हो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अफजल चिश्ती और खादिम सजाद हुसैन ने कहा कि हम ये सब अल्लाह की रजा के लिए करते हैं और हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हर शहर हर गांव में कुरान महल बना दिए जाएं ताकि किसी तरह भी इस पाक किताब की बेअदबी ना हो। मोहम्मद अफजल चिश्ती साहब ने आलमे इस्लाम से ये इल्तमास की है कि जो भी शहीद कुरान पाक हों या कोई भी मुकदस कागजात हों तो इनको महफूज करने के लिए हमारे साथ तआवुन करें। अल्लाह पाक का इरशाद है कि जो मेरे नाम की इज्जत करेगा मैं उसकी दुनिया और आखिर दोनों में इज्जत बना दूंगा, तो इसलिए हमें इस काम से बचना चाहिए जिससे हमारा रब हमसे नाराज़ हो। अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हमारे जिस्म में जान है हम दीन इस्लाम की खिदमत करते रहेंगे।